में 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी आप होश में रहिए, आप जिस तरह कपड़ा लोग बदलता है, आपने लगातार कपड़ा बदल बदल कर उनको ठगने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और यह तक कह दिया है कि नीतीश कुमार जी आप होश में रहिए, आपसे एक एक पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी लेगी। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। और तमाम कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर उनको भी मैं आग्रह कर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। अब आप ही एक रास्ता है, जनमानस में किन चीजों की चिंता हो रही है, कहां नीतीश कुमार की सरकार फेल हो रही है, जो वादे किए हैं उसको कहां निभाया नहीं जा रहा, जो सपने दिखाए गए हैं 20 लाख पक्की नौकरी का गांधी मैदान के ऐतिहासिक धरती से, उसको यदि नीतीश कुमार जी पूरा नहीं करते तो उसको सचेत करने का। और हमारे तमाम जो विधान परिषद के सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं, ये तमाम 76 लोग हम लोग विधानसभा में इसकी आवाज बनकर विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में काम करेंगे और विधान परिषद में जो हमारे 23 माननीय विधान परिषद सदस्य हैं, सभी लोग पूरे बिहार की चिंता करेंगे। जो जंगल राज स्थापित कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो जंगल राज स्थापित उनको नहीं करने देंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में कमल का 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे और 2025 के चुनाव में यहाँ एब्सोल्यूट सरकार बनाकर नीतीश कुमार को बिहार की जनता तमाचा मारने का काम करेगी। सर, बिहार में जिस तरह विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया, जनता के जनमानस का अपमान किया है, जनमत का अपमान किया है, और जिस तरह आपने देखा लालू जी कहते थे कि नीतीश वैसा व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा ठगा सगा नहीं, जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, आज उसी ठगबंधन का गठबंधन हो गया है। तो हम लोगों को उनसे लड़ना है, जंगल राज स्थापित नहीं होने देना है, बिहार के विकास को और गति देना है। और हम तो पूछना चाहते हैं, अब तो लगातार हम लोगों का काम ही है, हम ये जानना भी चाहते हैं नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से, गंगा पे जितने पुल बने वो कहते हैं कि हमने कराया है, तो हम तो जानना चाहते हैं 13 पुल में लगभग काम लगे हैं, एक पुल का नाम बताए जो वो अपने पैसे से कराते हैं, चाहे वो दो ब्रिज का काम राज्य सरकार ने किया सुल्तानगंज और एक आरा से छपरा, वो दोनों ब्रिज भी नाबार्ड के पैसे से भारत सरकार ने पैसा दिया, और जितना ब्रिज बन रहा है सारे तथ्यों को हम लोग स्पष्ट तौर पर रखेंगे। गांधी सेतु हो, सोनपुर ब्रिज हो, या सोनपुर ब्रिज के बगल में ब्रिज बन रहा हो, चाहे वो साहबगंज पूर्णिया के इलाके में, गरीबों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार जी आप होश में रहिए, वैसे तो हम लोग समझते हैं कि आप थक चुके हैं, आप जिस तरह कपड़ा लोग बदलता है उस तरह सत्ता में बैठने के लिए आपने सत्ता का गठबंधन बदलते रहे हैं, और ये 8 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव बिहार की जनता ने दिया, लेकिन आपने लगातार कपड़ा बदल बदल कर उनको ठगने का काम किया। इसलिए हम तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, तमाम विधायक, एमएलसी, सांसद,
एक एक पाई का हिसाब लेके उतना स्वस्थ करता हूँ। तो आपने साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से भी देखा है कि सम्राट चौधरी जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो वहां पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उसके बाद ही सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे महागठबंधन पर हमला बोला है और यह तक कह दिया है कि 2025 में बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जरूर सबक सिखाएगी। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।